Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you have done exercise 1.1 and 1.2. So student, today let me start the exercise 1.3. In this exercise, our first question, fill in the blanks. हमें क्या करना है? Blanks fill करने हैं. क्या दिया गया है? 100 मीटर. 100 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में. स्टूडेंट, इस तरह के समों को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें पहले एक टेबल लर्न होनी चाहिए. यहाँ पे होती है यूनिट, यहाँ होती है हमारी डेसी सेंटी मिली, और यहाँ होता है डेका हेक्टो किलो. जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, इन दैट केस पर यूनिट हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हम पर यूनिट 10 से डिवाइड करते हैं. जैसे हमें यहाँ क्या करना है, 100 मीटर दे रखा है, तो हम यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर होती है, लीटर होती है, और ग्राम में होती है. अब मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, तो कितने स्टेप गए हम? एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, टोटल थ्री स्टेप गए. अब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देन मल्टीप्लाई विद 10, हेयर ऑल्सो मल्टीप्लाई विद 10, तो 1 मीटर में कितनी मिलीमीटर हुए? 10 या 100 या 1000 mm हुए. तो 100 मीटर में कितने होंगे? 100 मल्टीप्लाई विद 1000, सो टोटल हमें पता चल जाएगा 1 lakh mm. सो स्टूडेंट, हम इन समों को इस टेबल के अकॉर्डिंग इजीली कर लेंगे. नाउ इन द सेकंड सम, फॉलोइंग इज रन मेड बाय सम वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर इन टेस्ट मैच. सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए हैं? 15,921. रिकी पॉन्टिंग 13,378. जैकर्स कॉलेज 13,289. राहुल द्रविड 13,288. राइट द नंबर नेम फॉर द सम ऑफ रन्स मेड बाय दीज क्रिकेटर इन टेस्ट मैचेस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. हमें क्या करना है, पहले इनको ऐड करना है. ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग राइट करना है. सो स्टूडेंट, देखो हम कैसे करेंगे. इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट हम, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड दिस, रिकी पॉन्टिंग दिस, जैकवास कॉलिस दिस, राहुल द्रविड दिस. सो टोटल रन स्कोर्ड हम इन सभी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो ऐड करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आई है, 55,876. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे इसको 55,876. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट सम इज, द सम ऑफ टू नंबर इज 9,23,568. इफ वन ऑफ द नंबर इज 4,23,456, देन फाइंड द अदर नंबर. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सम ऑफ टू नंबर दे रखा होता है और उसमें वन नंबर दे रखा और अदर नंबर निकालना, तो इस नंबर में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, अदर नंबर मिल जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट तो सॉल्व करते हैं. सम ऑफ द नंबर दिस, वन नंबर दिस, अदर नंबर फाइंड करना है, तो सम ऑफ द नंबर में से हम वन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास अदर नंबर गेट हो जाएगा. नेक्स्ट सम में क्या दिया है कि हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर है, तो उसको हमने लिख लिया. स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर ये होता है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, 4 × 9 होता है, तो डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर को इजीली सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ स्कूल अक्रॉस द कंट्री इन ए सर्टेन ईयर वर 26,70,396 इन प्राइमरी क्लासेस एंड 25,59,769 इन अपर प्राइमरी क्लासेस इन इंडिया. फाइंड द टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दैट ईयर. तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल स्टूडेंट पता चल जाएंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन प्राइमरी क्लासेस दीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन अपर प्राइमरी क्लासेस दीज, टोटल स्टूडेंट चाहिए हैं, तो हम इस नंबर में इस नंबर को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होंगे हमारे टोटल स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट सम,
फॉलोइंग इज द लिस्ट कैब सर्विस, कैब सर्विस की लिस्ट है इन इंडिया एट द डेली बुकिंग पैसेंजर ट्रेवलिंग थ्रू दैम। मैक्सी में 35,000, मेगा में 15,000, एजे 15,000, ओला 2,40,000, अबेर 44,000। हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी पैसेंजर ट्रेवल डेली यूजिंग दीज कैब, इन कैब को यूज़ करके डेली कितने पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो देखो भाई, मैक्सी में कितने बच्चे कितने पैसेंजर कर रहे हैं, 35,000, मेगा में दिस, इजी दिस, ओला दिस एंड उबेर दिस। तो टोटल पैसेंजर फाइंड करने हैं ना, हम इन सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल पैसेंजर आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट सम स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, 15,432 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड इन अ ईयर, ऑफ विच 9,205 टन इज रिसाइकल्ड। इतनी तो वेस्ट हो रही है और इतनी रिसाइकिल हो रही है, तो हाउ मच प्लास्टिक वेस्ट रिमेन अनकलेक्टेड एंड लिटर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक बच जाएगी। टोटल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन अ ईयर 15,432 टन्स, क्वान्टिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल्ड इन द ईयर 9,205 टन्स। सो क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक अनकलेक्टेड लिटर्ड, लेफ्ट क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी बच गई है वो कितनी है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, ईच स्टूडेंट गिवन 250 मिलीलीटर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, अ टोटल ऑफ 600 लीटर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मैनी क्लासेस कैन बी सर्व। तो ग्लूकोज सोल्यूशन जो वन स्टूडेंट को कितना दिया जा रहा है, 250, तो 40 स्टूडेंट के लिए कितना हो जाएगा, वन स्टूडेंट के लिए 250 मिलीलीटर, सो 40 स्टूडेंट के लिए कितना हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई बाई 40, ये आ गया हमारा 10,000 मिलीलीटर। ग्लूकोज गिवन वन ग्लास में अगर लीटर देखें तो 1 लीटर में हमारे 1,000 मिलीलीटर होते हैं, तो 10 लीटर में कितने, सॉरी 1,000 मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, 1,000 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बच गया, 10 लीटर। तो 1 ग्लास में कितना आ रहा है, 10 लीटर आ रहा है। टोटल हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ क्लासेस दैट कैन बी सर्व इन 600 लीटर ग्लूकोज, अगर हम 600 लीटर ग्लूकोज करते हैं तो 10 लीटर वन बच्चे को दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 60 क्लासेस में ये सॉल्यूशन बांटा गया है, दिया गया है। इन द नेक्स्ट सम, नोबल लिटरेचर कैलाश शैत्री स्टार्टेड कंपेनियन इन 1980 बचपन बचाओ आंदोलन इज एडवोकेट चिल्ड्रन लेबर फ्रॉम इंडिया, इंडिया हैड द चाइल्ड लेबर इन 2016, आउट ऑफ विच सक्सेस्ड रिज्यूइंग 83,512 चिल्ड्रन, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन कैन बी रिज्यूज्ड। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने चिल्ड्रन क्या हुए हैं, रिज्यूज्ड हुए हैं। तो स्टूडेंट देखो कैसे करेंगे, In 2016, the number of child labor India had, this number of children reduced by बचपन बचाओ आंदोलन, कितने reduced हुए हैं, ये हो गए हमारे 83,512, so number of children are भी reduced, तो कितने बच जाएंगे हमारे, इस वैल्यू में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू बच जाएगी, इतने children जो हैं वो reduced हुए हैं। Next sum is, if we consume 1,60,000 plastic bag every second, एक सेकंड में अगर हम इतने प्लास्टिक बैग जो हैं वो कंज्यूम करते हैं, हाउ मैनी प्लास्टिक बैग आर कंज्यूम बाय इन वन आर, तो वन आर में हम कितने प्लास्टिक बैग कंज्यूम करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग कंज्यूम्ड इन वन सेकंड में इतने हो रहे हैं, तो वन आर में कितने होंगे, वी नो दैट इन वन आर देयर विल बी 3600 seconds, सो वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 3600, सो वी गेट दिस नंबर, तो इतने प्लास्टिक बैग क्या होंगे हमारे, कंज्यूम्ड होंगे। इन द नेक्स्ट सम, इफ 27,000 ट्री आर कट एवरी डे, अगर एक दिन में इतने ट्री कट रहे हैं टू मेक टिश्यू पेपर बनाने के लिए, सो हाउ मैनी ट्री कट लीप ईयर टू मेक टिश्यू पेपर, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को 300, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, तो हम उसकी मल्टीप्लाई 366 से कर देंगे।
तो हम इस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ ट्री कट इन अ लीप ईयर टू मेक टिश्यू पेपर 27,000 मल्टीप्लाई विद 366, सो दिस वैल्यू वी गॉट. इन द नेक्स्ट सम, द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क द किंग राजधानी एक्सप्रेस कवर्ड 13,932 किलोमीटर इन 162 आवर्स. तो हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इन 1 आवर, 1 आवर में कितना करेगी. अब देखो भाई 162 में इतना कर रही है तो 1 में कितना करेगी, डिवाइड कर देंगे इजीली हम इसको. डिस्टेंस कवर्ड इन 162 आवर्स दिस, सो 1 आवर में कितना होएगा, दिस वैल्यू डिवाइड विद दिस. स्टूडेंट आपको यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करके दिखाना है, हेयर यू राइट 162 एंड हेयर 13,932 और इस सम को इस तरह डिवाइड करके दिखाओगे, सो वी गॉट दिस आंसर. इन द नेक्स्ट सम, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट, डिजिट दे रखी हैं 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वन टाइम. पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है फिर स्मॉलेस्ट बनाना है. सो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन गया हमारा 7, 6, 4, 3, 2, स्मॉलेस्ट बन गया हमारा, इसको ही उल्टा लिख देंगे और इन दोनों को क्या करना है हमें ऐड कर देना है, सो वी गेट दिस आंसर. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, सो यू विल डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इन फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे.